हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो बिना किसी बात के हम सीधे चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्सेल सीट पे एक डेटा बना रखा है जिसमें हमने बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और हमें क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं पेज को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को साफ साफ देख सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने एक फार्मूला दिया है और साथ में दो क्राइटेरिया दिया है। तो देख सकते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। यहाँ भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सेमी क्राइटेरिया, बस इसमें परसेंटेज नहीं लगा हुआ और इसमें परसेंटेज लगा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई करना है रेट से और साथ में टाइम से भी मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो अब किस में कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ इसमें और इसमें, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, वहाँ पे आप अगर किसी से पैसा ले रहे हैं और निकालना चाहते हैं तो वहाँ वो अमाउंट डलाएगा, किसी को दिए हैं तो वो अमाउंट डलाएगा। यानी कि आप वो अमाउंट जो लेन देन का काम किया है उसको डालने के बाद हम रेट और टाइम से गुना करते हैं तो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं, अप्लाई करते हैं इस पे। चलिए सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम इक्वल्स टू। तो हम इक्वल्स टू लेने के बाद करेंगे ब्रैकेट ओपन, फिर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया है, देन फिर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड हमारा क्या है, रेट लेना है, तो हमने रेट भी ले लिया है, फिर हमने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ किया है, फिर हमने टाइम लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ले लिया है, फिर मैंने इसको करना है ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें डिवाइड कर देना है इसको 100 से। 100 से करने के बाद हम जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 4500 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया है। तो ये फॉर्मूला हमारा काम किया किस पे, जहाँ हमारा परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा हुआ है रेट पे, लेकिन यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कोई चेंज की बात नहीं है। इक्वल्स टू लेंगे, फिर हमने ब्रैकेट ओपन कर लेना है, फिर हमें लेना है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट से, देन फिर मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से। तो आप देख सकते हैं, और इसके बाद साथ में हम क्लोज करके सीधा इंटर प्रेस करेंगे। इसमें हमें 100 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीधा हम जब इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4500 है, यहाँ भी 4500 है। क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ परसेंटेज लगा हुआ था, इस वजह से हमें यहाँ 100 नहीं लगाना है और यहाँ 100 लगाना है। लेकिन ये दोनों जो है ईयरली निकाला गया, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं टाइम में ईयर लिखा हुआ है, तो ये हम ईयरली निकाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको हो सकता है मंथली सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, तो उसके लिए हम चलते हैं दूसरे सीट पे, एक तैयार करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे हमने मंथली वाइज किया हुआ है ना। यहाँ पे आप प्रिंसिपल अमाउंट भी है, रेट भी है, टाइम है, बट ये मंथली है। तो इसको निकालने के लिए भी सेमी फार्मूला है, बट थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल्स टू फार्मूला लेते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर भी हम प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम फिर से रेट ले लेते हैं, फिर से मल्टीप्लाई, और यहाँ टाइम दे देते हैं। और टाइम में साथ में हमको ये मंथली निकालना है, इसीलिए हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमें 12 से डिवाइड कर देना है। टाइम को 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये मंथली वाइज निकल गया है। तो इसी के साथ हमने मंथली भी देख लिया और यहाँ पे ईयरली भी देख लिया आपने। तो देख सकते हैं ईयरली निकल गया है और यहाँ पे मंथली निकल गया है। फिर भी अगर फॉर्मूला या फिर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। साथ में ही मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक डाल दिया है, जहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह का लिंक है। तो आप और भी कोई फार्मूला का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।